सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस घंटी को दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, जीपी टेक्निकल सपोर्ट में आपका फिर से बहुत बहुत दोस्तों 2018 में बहुत सारे ऐसे सिम हैं जो बंद होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक अपने सिम कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने घर बैठकर अपने आधार कार्ड को अपने सिम कार्ड से लिंक करा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी रिटेलर या किसी भी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सरकार ने एक नया रूल निकाला है, अगर आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराते हैं तो फिर आपका सिम बंद हो जाएगा। तो अगर आप भी अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो मेरा नाम है गगन पाठक और आप देख रहे हैं जीपी टेक्निकल सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इसके लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर लेना है, आधार कार्ड, और जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था तब आपने उस पर कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था। जी हाँ दोस्तों, वो मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए आपके पास, तभी आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके उस नंबर पर ओटीपी आएगी, जब तक ओटीपी आप नहीं डालेंगे तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको वो दोनों चीज़ अपने पास रखनी है और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डायलर पर जाना है और यहाँ पर डायल करना है 14546 और इसको यहाँ से डायल कर देना है। जिस सिम को आप अपने आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं उस सिम से आप डायल कर देंगे। डायल करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले अपने आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो आप अपनी हिंदी या इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर को री वेरीफाई करना यानी अपने मोबाइल नंबर का दोबारा सत्यापन करना अनिवार्य है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो एक दबाए। अगर आपके आधार नंबर के साथ आपके वोडाफोन नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए एक दबाए। कृपया अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। जब आप अपना आधार नंबर इंटर कर देंगे तो थोड़ी देर बाद आपके उस नंबर पर मैसेज आएगा जो नंबर आपने अपने आधार कार्ड पर डाला हुआ है जब आपने बनवाया था। तो उस नंबर पर आपकी ओटीपी आएगी और उस ओटीपी को भी आपको यहां पर इंटर कर देना है डायलर पैड पर। जैसे वो बोलेगा आपको वैसा करना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आप अपने घर बैठकर ही अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा पाएंगे। आधार नंबर के साथ अपने मोबाइल नंबर के री वेरिफिकेशन के लिए किए गए आपके अनुरोध पर कार्यवाही फिलहाल जारी है और 48 घंटों के बाद री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वोडाफोन केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। और ये जो प्रोसेस होगा ये 48 घंटे भी लग सकते हैं। इसमें आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो चुका है, आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है और आप इस तरीके से घर बैठकर अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना।